फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैंने ये जो मेकअप लुक क्रिएट किया है वो 6 प्रोडक्ट से ही किया है। तो ये वाला जो मेकअप लुक अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी फुल वीडियो जरूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसके बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ तो आपको जरूर उसे मिल जाए और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो ढूंढने में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगे, और अगर आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हिट द लाइक बटन आल्सो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टू मच टाइम, लेट्स चेक आउट द वीडियो। मैं यहाँ पे आज बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या कोई भी फाउंडेशन मैं यूज नहीं करूंगी। मैं यहाँ सिंपल एक कंसीलर यूज करूंगी, वो भी मैं ये मार्स का कंसीलर यूज करने वाली हूँ। इसका मैंने रिव्यू कर चुका है, प्लीज मेरे चैनल में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो ये मेरा शेड है 2, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं अपने शेड के हिसाब से मैं कंसीलर वहीं अप्लाई करूंगी जहाँ मुझे ब्लेमिशेस हो सकते हैं, वरना और जगह मैं नहीं यूज करूंगी। उसमें से भी ये वाला शेड यूज करूंगी, तो इसे मैं थोड़ा सा ही यूज करूंगी, ज्यादा नहीं। इस तरह से, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अपना जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी कवरेज की ज्यादा जरूरत है, मैं वहीं लगाऊंगी। और थोड़ा सा इसमें यहाँ लगा लूंगी, जहां जहां मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है उधर लगा लूंगी इसको। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसी स्पॉन्ज से अपनी इस कंसीलर को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अपना कंसीलर यूज कर लिया। उसके बाद मैं आपको सेकंड प्रोडक्ट दिखाती हूँ, जो कि है ये ब्लू हेवन का सिलिकॉन फेस पाउडर विद फाउंडेशन। इसीलिए मैं फाउंडेशन यूज नहीं कर रही थी, क्योंकि फाउंडेशन है और अगर आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन लगाना नहीं चाहते तो आप इसे लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है। लेकिन इसकी हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा ठीक कर चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने अभी इसे यूज़ भी नहीं किया, थोड़ा सा थोड़ा ही बहुत किया इतना है। तो मैं इसी को अपने उसमें कंसीलर कर अपने कंसीलर सॉरी इसे कवरेज करने के लिए मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा इस तरह से। इसी के स्पॉन्ज से लेकर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कवरेज है इसका। तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, डेली बेसिस के लिए कवरेज बहुत ज्यादा ही परफेक्ट रहता है। ये देखिए, इस तरह से इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा कवरेज रहता है। तो इस तरह से मैंने अपने अंडर एरिया को और अपने पूरे फेस को मैं इसी तरह से सेट कर लूँगा। दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स, अगर जिनकी ऑयली स्किन है और वो बीबी क्रीम नहीं लगाना चाहते, उनके लिए परफेक्ट है। इस तरह का पाउडर की तरह, कॉम्पैक्ट की तरह भी काम करता है, ऊपर से ये आपके फेस में फाउंडेशन जैसा लुक देता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस थोड़ा सा, अब मैं इसे अपने नेक एरिया में भी कर लूँगी इस तरह से, ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक लगेगा ये। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सही लुक है। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए मेरे पास ऑल टाइम फेवरेट है ब्लू हेवन का ब्लश। मेरा शेड है इसमें 504। तो मैं इसे ब्लश ब्रश की हेल्प से इसे थोड़ा सा लगा लूंगी, ताकि थोड़ा सा डेफिनेशन मिल जाएगा मेरी चीज को सर्कुलर मोशन में इस तरह से, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है इसे लुक। तो कुछ इस तरह से मैं इसे कर दूंगी अपने फेस को थोड़ा सा। एकदम लाइट ब्लश फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप कोई भी ब्लश यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइट ब्लश ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा है और डे मेकअप या कोई भी मेकअप के लिए परफेक्ट रहता है। एकदम लाइट पिंक जैसा इफेक्ट देता है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने दे दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है काजल की। तो काजल की मेरे पास यहाँ लैक्मे का काजल है, देख सकते हैं। तो मैं इसी को काजल को अपनी वॉटर लाइन में लगाती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने अपनी वाटर लाइन पे लगा रखा है। उसके बाद लाइनर की बारी आती है, तो लाइनर के लिए भी मेरे पास ब्लू हेवन का लाइनर है, लिक्विड आई लाइनर है, तो मैं इसी से अपना थोड़ा सा विंग आई लाइनर लगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपने आई लाइनर लगा चुका है, थोड़ा सा विंग क्रिएट कर चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है आईब्रो फिल की, तो मैं आईब्रो फिल के लिए मैं यही काजल यूज करने वाली हूँ। बस हल्का सा स्ट्रोक करूंगी इस तरह से, क्योंकि क्रेयॉन फॉर्म में होता है तो अब जहां जहां मेरे गैप्स है मैं वही भरूंगी। बहुत ही ज्यादा लाइट फॉर्म में भरूंगी इसे, बिल्कुल भी ज्यादा डार्क नहीं करना है, वरना लगेगा कि आपने आर्टिफिशियली लुक क्रिएट किया है। तो उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा स्मच लुक देने के लिए इस तरह से अपना कर दूंगी, थोड़ा सा इस तरह से। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हल्का हल्का स्ट्रोक्स क्रिएट हो चुके हैं एकदम लाइट, जहां जहां को गैप से मैंने वहीं भरे हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा डार्क नहीं किया है। उसके बाद इस तरह से मैंने इसको कर देना है थोड़ा सा ऐसे स्मच, और ये हो गया, ऐसा लग रहा है कि आपने आईब्रोज फिल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना सही लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मेरे पास यहाँ रेवलॉन की कलर स्टे लिपस्टिक है और मेरा शेड इस में 01 बाउंटीफुल ब्लश, तो मैं इसी लिपस्टिक को लगाऊंगी अपने लिप्स पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना सही लुक लग रहा है ये एकदम, और ये बहुत ही कम मिनिमम लुक क्रिएट कर रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा लुक है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हिट द लाइक बटन ऑल्सो, और आप मुझे रोको सो में भी फॉलो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो या टिल देन बाय बाय।